आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इन तीन कलरों की वूल से बहुत ही सुंदर एक नीटिंग डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। तो इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को यहाँ पर मैं आपको टोटल 15 फंदों पे डाल के बताऊंगी कि ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से इसको बनाया है। तो यहाँ से देखिए, मैंने नीचे से सिंगल धागे में फंदे डाले हैं, 15 फंदे डाले हैं। 15 फंदे डाल के ही मैं इस डिज़ाइन को आपको बनाना बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह से बनाया। तो यहाँ से मानिए हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई। पहली सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये हम इस फंदे को या तो आप सीधा बनाइए या इस तरह से उतार के धागा पीछे कीजिए, यानी कि अब ये टोटल तीन फंदे हम सीधे बनाए जाएंगे। तीन फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ पर हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे। सेकंड कलर लगा के देखिए, एक फंदा ब्लैक कलर से, एक फंदा क्रीम कलर से, फिर एक फंदा ब्लैक कलर से, इस तरह से। अगले तीन फंदे फिर से क्रीम कलर से, एक, दो और तीन। ध्यान से देखिए, आगे फिर से एक ब्लैक आएगा, इस तरह से एक क्रीम आएगा, एक फिर से ब्लैक आएगा, तीन फंदे फिर से। लास्ट वाले हम इस तरह से बेस वाले कलर से बनाएंगे सीधे सीधे। तो ये यहाँ पर देखिए, मैंने डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से बना के हूँ कंप्लीट कर ली है। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई, दूसरी सिलाई को भी ध्यान से देखिए, क्योंकि इनमें दोनों तरफ से ही धागे चेंज होंगे। किस तरह से होंगे, दो और तीन, तीन फंदे हमने ये क्रीम कलर से बनाए। अब जो ये है दोनों ब्लैक, एक बीच वाला क्रीम, इन तीनों को हम ब्लैक ही बनाएंगे। तो एक, दो और तीन, यानी कि तीन बेस वाले कलर से बनेंगे, तीन ब्लैक कलर से, डिजाइन की दूसरी सिलाई में और उल्टी साइड से। तीन ये क्रीम कलर से, तीन ब्लैक कलर से, एक, दो, तीन, तीन फिर से ये बेस वाले कलर से, यानी कि क्रीम कलर से, लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन की हमने दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिज़ाइन की यहाँ पर देखिए चौथी सिलाई, चौथी सिलाई को किस तरह से बनाना है हमने। अब की बार ये ब्लैक वाले हमारे, यहाँ पर देखिए किस तरह से फंदे बढ़ेंगे दोनों साइड में। तो किस तरह से, पहले फंदे को इस तरह से उतार के धागा पीछे कीजिए। दो फंदे ये हैं, एक, दो, दो फंदे ये हमारे सीधे हुए, एक फंदा उतारा, एक सीधा, यानी कि दो फंदे सीधे। अब हमने क्या करना है, ये वाला एक क्रीम वाला भी हमने ब्लैक बनाना है इस तरह से, एक ये और एक ये। दो फंदे बनाने के बाद जो ये तीन फंदे थे, इस तरह बीच वाले फंदे में हम इसमें थर्ड कलर लगाएंगे, यानी कि तीसरा कलर हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तीसरा कलर हम एक इस तरह से, एक फंदा इस थर्ड कलर से बनाएंगे। अब दो फंदे आगे फिर से हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, एक, दो, यानी कि दो फंदे इधर ब्लैक, एक इधर। जो बीच वाला फंदा था इसमें हमने ये थर्ड कलर लगा लिया। आगे फिर से बीच में एक फंदा अब की बार यहाँ पर बेस वाले कलर से आएगा। अब फिर से ये तीन फंदे हैं, दोनों तरफ के फंदे एक एक हम ब्लैक का फिर से बनाएंगे। तो एक ब्लैक का और एक ये, तो दो फंदे बनाने के बाद बीच वाले फंदे पे फिर से हम ये थर्ड कलर लगाएंगे, सीधा बनाएंगे। अब एक फंदा ये, एक ये, दो फंदे फिर से हम यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर से बनाएंगे, एक, दो, लास्ट के दो फंदे हम अपने बेस वाले कलर से ही बनाएंगे, एक और लास्ट का भी दो। दो फंदे बनाने के बाद
अब आ गए हैं डिजाइन की तीसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। तीसरी सिलाई को किस तरह से बनाना है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक दो और ये, अब ये ब्लैक वाला एक और ये क्रीम कलर में आएगा, तो तीन। अब हमने चौथी सिलाई में उल्टी साइड से तीन हमारे क्रीम कलर्स के, एक ये दोनों इस साइड के, ये तीन इस वाले को भी हम ब्लैक ही बनाएंगे, यानी कि तीन ब्लैक से बनेंगे ये। अब यहाँ पर दो तीन, अगले तीन बेस वाले कलर से, एक दो तीन, अगले फिर से तीन, एक ये और एक ये और एक ये, तीन फिर से ब्लैक कलर से। अब ये फिर से क्रीम कलर से आएंगे हमारे तीन फंदे, एक दो, धागा पीछे, लास्ट वाला सीधा। तो ये चौथी सिलाई को हमने यहाँ पर देखिए उल्टी साइड से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया डिज़ाइन की। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए पांचवी सिलाई, पांचवी सिलाई है हमारी और सीधी सिलाई है। पांचवी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, अब की बार जो ये बीच वाला फंदा है इसको हमने क्रीम बनाना है, दोनों तरफ हमने ब्लैक ही रखने जैसे यहाँ पर है। तो पांचवी सिलाई डिज़ाइन की हमारी और यहाँ पर ध्यान से देखिए सीधी सिलाई, पहले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब एक और दो तीन, तीन फंदे हमने ये क्रीम कलर से बनाए हैं। अब यहाँ पर ये ब्लैक बनेगा, इसको ब्लैक बनाएंगे, इसको क्रीम बनाएंगे, इसको फिर से ब्लैक बनाएंगे। तो ये तीन बेस वाले कलर से, एक ब्लैक, एक क्रीम, एक फिर से ब्लैक। अब फिर से ये हमारे यहाँ पर देखिए तीन फंदे क्रीम कलर से, एक दो तीन। अब जो ये तीन ब्लैक हैं बीच वाले को क्रीम रखेंगे, दोनों तरफ को ब्लैक रखेंगे। तो इसको ब्लैक, इसको क्रीम लगाएंगे, इसको फिर से ब्लैक बनाएंगे। लास्ट वाले तीन फंदे हैं इनको हमने बेस वाले कलर से ही यानी कि क्रीम कलर से ही सीधा बनाना। तो ये पांचवी सिलाई को हमने यहाँ पर देखिए सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिज़ाइन की छठी सिलाई, छठी सिलाई उल्टी सिलाई, छठी सिलाई को पूरी सिलाई को हम क्रीम कलर से इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने कोई भी धागा चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमने बेस वाला कलर यानी कि क्रीम कलर से पूरी रो को उल्टा उल्टा ही बनाते हुए जाना। तो छह सिलाई का डिज़ाइन है और ये 12 सिलाई में जाके कंप्लीट होता है। तो छठी सिलाई भी डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हमने क्या करना है, ये देखिए छह सिलाई में डिज़ाइन यानी कि फ्लावर हमारा कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। अब हमने क्या करना है सातवीं सिलाई में, यहाँ पर बीच में ये वाला फ्लावर बीच में आएगा। तो मैं एक फ्लावर और आपको बता देती हूँ ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो पहले फंदे को उतार के धागा पीछे करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, छह फंदे हमने ये यहाँ पर देखिए बेस वाले कलर से बनाई है। अब जो ये बीच वाला है ये वाला, ये फली जो दिखाई दे रही इनके, एक इस तरफ एक इस तरफ, यहाँ जस्ट बीच में डिजाइन डलेगा, दोनों तरफ ब्लैक, बीच में क्रीम लगाया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर से एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब फिर से हम क्रीम कलर से एक सीधा, एक ब्लैक से। तो ये देखिए बीच में फिर से हमारे फ्लावर यहाँ पर बनेगा। तो बाकी सभी फंदों को हम एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः फंदों को हम यहाँ पर ध्यान से देखिए सीधा बनाया।
तो अब आ गए हैं यहाँ पर डिजाइन की, ये सातवीं सिलाई कंप्लीट है, डिजाइन की आठवीं सिलाई। आठवीं सिलाई को हमने यहाँ पर देखिए, दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे यहाँ पर क्रीम कलर के बनाने के बाद, जो ये दोनों तरफ ब्लैक है एक क्रीम, इन तीनों को अब की बार हमने ब्लैक ही बनाना है। तो एक दो और तीन, अब जो ये लास्ट के हैं फंदे छः, इनको भी उल्टा उल्टा बनाना। तो ये डिज़ाइन की हमारी यहाँ पर देखिए आठवीं सिलाई डिज़ाइन की और उल्टी सिलाई बन के कंप्लीट है। डिज़ाइन की हमारी नौवीं सिलाई आ गई है और सीधी सिलाई आ गई है। नौवीं सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, नौवीं सिलाई को पहले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे अब की बार ये नौवीं सिलाई सीधी साइड से यहाँ पर सीधे बनेंगे। अब तीन इधर से हैं, दो इधर से, पांच फंदे बनाने हैं, दो इधर, बीच वाले को ये वाला थर्ड कलर लगाना। तो दो ब्लैक बनाए जाएंगे यहाँ पर, एक दो, बीच वाले में ये थर्ड कलर लगाएंगे, फिर से दो ब्लैक कलर लगाएंगे, एक दो, लास्ट के ये पांच फंदे हैं, इनको बेस वाले कलर से सीधा सीधा ही बनाना है। तो नौवीं सिलाई डिजाइन की यहाँ पर बन के कंप्लीट है। डिजाइन की दसवीं सिलाई, दसवीं सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, एक दो तीन चार पाँच, पांच बनाने के बाद जो ये ब्लैक वाला है इसको भी हम ये छठा फंदा बनाएंगे। और अब ये एक इधर का बीच वाला, यानी कि दोनों ये जो थर्ड कलर है दोनों तरफ का, और ये अब यहाँ पर टोटल तीन फंदे हमारे ब्लैक आएंगे, दो तीन। अब ये बाकी हैं हमारे यहाँ पर छह फंदे, इनको हमने उल्टा उल्टा बनाना। लास्ट वाले को सीधा। तो ये दसवीं सिलाई हमारी यहाँ पर उल्टी साइड से बन के कंप्लीट है। डिजाइन की यहाँ पर ग्यारहवीं सिलाई और यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई। ग्यारहवीं सिलाई को किस तरह से बनाना है, पहले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा, एक दो तीन चार और पांच, पांच बनाने के बाद जो तीन फंदे बीच वाले फंदे को हमने क्रीम बनाना है, यानी कि बेस वाला कलर, दोनों तरफ हम ब्लैक ही रखेंगे। तो पहले ब्लैक फंदा बनाएंगे, एक एक ब्लैक फंदा, ये एक क्रीम फंदा, फिर से एक ब्लैक फंदा, इस तरह से। लास्ट के बचे हैं छह फंदे, इनको फिर से हम यहाँ पर क्रीम कलर से सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। तो ये ग्यारहवीं सिलाई डिज़ाइन की हमारी सीधी साइड से बन के कम्प्लीट है। डिज़ाइन की बारहवीं सिलाई उल्टी सिलाई, इस सिलाई को, पूरी सिलाई को हम छठी सिलाई की तरह ही उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले को सीधा। तो ये बारहवीं सिलाई भी उल्टी साइड से हमारी बन के कंप्लीट है। तो ये देखिए बारह सिलाई में हमारा ये यहाँ से फ्लावर भी चेंज हो गया है। तो बारह सिलाइयों को, छह सिलाई का डिजाइन है यहाँ तक और बारह सिलाई यहाँ तक बनी है इससे ऊपर, तो छह सिलाई का डिजाइन है और बारह सिलाइयों में ये डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो अगर फ्रेंड्स हम इन्हीं बारह बारह सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हैं।
तो ये देखिए इसी डिजाइन को मैंने थोड़ा सा बड़े में दिखाया है, फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है, अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।